हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आई वेलकम यू ऑल इन न्यूज़पेपर सेशन एंड इट इज़ सैटरडे एंड सेवंथ ऑफ नवंबर सो लेट्स गेट स्टार्टेड टूडेज़ न्यूज़ पेपर एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द न्यूज़ ऑफ न्यूज़ देखते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है तो पहली जो हेडलाइन आपको दिख रही है दैट इज़ वॉट ही पेंसिल्वेनिया लीड गेट्स बाइडन क्लोजर टू विक्ट्री जो पेंसिल्वेनिया स्टेट है यू का वो क्या है उसकी जो लीड है उसमें जो आगे हैं वोट्स में आगे हैं वो क्या करेगी क्लोज़र यानी कि करीब लेकर जाएगी विक्ट्री के यानी कि जो वी, वीन यानी कि जो विजय उनकी है चुनाव में इलेक्शन इलेक्शन में जो उनकी जीत है उसके करीब लेकर जाएगी कौन पेंसिल्वेनिया में जो आगे हैं वोट्स उनको ज़्यादा मिले हैं उनके लिए उस केस में है ना और जो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है वॉट दैट इज़ वॉट वो क्या है हमारे कि इंडिया वॉन्ट एक्सेप्ट शिफ्टिंग ऑफ एल इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट शिफ्टिंग ऑफ एल मतलब कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जिसको लेकर इशू चल रहा है चाइना और इंडिया को लेकर उसी में क्या बोला सी के जो चीफ हैं सी के चीफ़ कौन है कि जो मिस्टर बिपिन रावत हैं उन्होंने क्या बोला है कि सी क्या है सी डी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो इसमें क्या होता है कि तीनों हमारे जो सेनाएं हैं उसमें ती, उन तीनों सेनाओं के हेड शामिल होते हैं फिर उनका जो हेड है कौन है मिस्टर बिपिन रावत है उन्होंने क्या बोला है कि सीडीएस ने बोला है सीडीएस सीडीएस एस डी तीनों का सी डी एस का जो है उसी ने बोला है ना तो कल एक्चुअली में हुआ क्या मीटिंग हुई है कमांडर लेवल की कल मीटिंग हुई है है ना तो उसी में बोला गया है कि इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट शिफ्टिंग ऑफ एल एसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके शिफ्ट नहीं करेगा मतलब ना तो हम जहाँ पर हैं वहीं रहेंगे ऐसा बोला गया है ना और देखते हैं कि न्यूज़ क्या है जो अच्छा यहाँ से हम पहले स्टार्ट कर लेते फिर चलते हैं ना तो कॉलम्स में जो हमारी न्यूज़ है वो ये है जो खेल जगत से न्यूज़ है है ना तो उसमें ये है कि विलियमसन केन विलियमसन और जो जशन होल्डर तो पावर एस आर एच एस आर एच सनराइजर्स हैदराबाद पास्ट आर सी बी इन एलिमिनेटर जो एलिमिनेटर जो केस था उसमें अगर जो भी जीतता तो वो एक स्टेप आगे चला जाता तो उसमें क्या हुआ है कि आर सी बी रॉयल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एलिमिनेट कर दिया किसने है ना एस आर एच ने किसकी मदद से विलियमसन और होल्डर की मदद से है ना आगे चलते हैं टू मिलिटेंट्स सिविलियन किल्ड इन पुलवामा इनकाउंटर मतलब टू मिलिटेंट टू मिलिटेंट्स और सिविलियन क्या है किल्ड इन पुलवामाकाउंटर पुलवामा में इनकाउंटर हुआ है उसमें दो मिलिटेंट्स और सिविलियन मारे गए हैं है, है ना नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है दैट इज़ वॉट कि लालू से रिलेटेड है कि लालूस बेल हियरिंग इन ठीक है दुमका ट्रेजरी केस जो ट्रेजरी का मतलब खजाना होता है ना तो दुमका ट्रेजरी केस है उसमें डिफर्ड टिल नवंबर ट्वेंटी नाइन मतलब कि नवंबर सत्ताईस तक इनकी जो हेयरिंग थी वो आगे डिफर कर दी गई है बदल दी गई आगे बढ़ा दी गई है ना आगे देखते हैं इनकी जो बेल की हेयरिंग थी कि इनको बेल मिल जाएगी तो वो सत्ताईस नवंबर कर दी गई है टिल सत्ताईस नवंबर लिखा हुआ है प्रपोजिशन है ना अगली जो हमारी न्यूज़ है कर्नाटका सीक्स टू कट यूज़ ऑफ़ फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग दीपावली कर्नाटका भी चाहता है कि वो क्या करे कि कट कर दे उसका जो कम कर दे किसका यूज़ ऑफ़ फायर क्रैकर जो पटाखे हैं उनका किस किस दौरान दीपावली के दौरान उनको कम करना चाहता है दिल्ली में बैन है है ना तो ये कॉलम्स की न्यूज़ थी अब थोड़ा साइड में चलते हैं कि जो है तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि ये हाथरस केस में हाई कोर्ट ने पूछा है कि हाई कोर्ट ने पूछा है कि गवर्नमेंट से पूछा है कि शुड हाथरस डीएम कंटिन्यू इन द पोस्ट हाई कोर्ट आस्क यूपी गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट से पूछा है कि क्या जो हाथरस केस में जो डीएम थे उस समय जिन्होंने क्रिमेशन करा दिया था कि अंतिम संस्कार करा दिया था क्या उनको उन अपनी पोस्ट पर उनको कायम रहना चाहिए ऐसा उन्होंने बोला है तो सीधा सीधा वो सुप्रीम कोर्ट आता है कि उनको हटा दिया जाए वहाँ से है ना क्योंकि इतना उन्होंने गंदा काम किया था इस वजह से विल स्टार्ट एन आर एस सी अ फ्रेश आफ्टर पोल्स इफ अपेक्स कोर्ट अलाउज है ना कि ये असम की बात कर रहे हैं असम में एन आर एस सी एन आर सी क्या है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है ना सिटीजन सॉरी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इसमें क्या होता है कि भाई कौन नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इसमें आपको अपना नाम दर्ज कराना रहता है कि आपकी नागरिकता आपको सिद्ध करनी रहती है तो अगर आपका इसमें नाम है तो आप इंडिया के नागरिक हैं है ना तो विल उन्होंने क्या बोला विल स्टार्ट एन आर सी अफ्रश मतलब जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है फिर से अफ्रश का मतलब नए सिरे से फिर से स्टार्ट होगा आफ्टर पोल्स चुनाव के बाद इफ़ अपेक्स कोर्ट अलाउ यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर अलाउ करता है किसने बोला है असम मिनिस्टर ने बोला है ऐसा है ना और चलते हैं आगे सबसे बड़ी हमारे लिए जो समस्या है कि सीवियर पोल्यूशन कॉन्टीन्यूज टू तो चोक कैपिटल है ना कि जो सीवियर पोल्यूशन है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पोल्यूशन है उसने क्या कि कॉन्टीन्यूज लगातार क्या कर रहा है चोक का मतलब था कि गला घोटने जैसा गला घोटने वाला है ना टू तो चोक कैपिटल मतलब इतना ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है कि आप गला घोटने वाला जैसा है मतलब आप बाहर निकल कर सांस अच्छे से नहीं ले सकते हैं परेशान हो जाएंगे बीमार हो सकते हैं ना और क्या कि सुप्रीम यहाँ पर जो आपका है अर्नब गोस्वामी से कल हमने जो डिस्कस क्या, किया था इन्हीं का एडिटोरियल तो उसमें क्या बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट रिलीफ फॉर अर्नब इन प्रिवलेज केस मतलब प्रिविलेज मतलब क्या था विशेषाधिकार तो विशेषाधिकार वाला जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो जारी किया मोटो क्या होता है मोटो कॉग्निजेंस ये सूओ मोटो जो कॉग्निजेंस होता है कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान लेना अपने आप से किसी चीज़ में सॉरी ज्ञान अपने आप से संज्ञान लेना उसमें पता करना सूओ मोटो का मतलब खुद से तो मोटो का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट ने खुद से उसमें प्रिविलेज वाले केस में किसको इनको राहत दे दी है है ना मिल गई है आगे देखते हैं पैनल वॉन्स ऑफ राइजिंग जीएसटी ड्यूज फॉर स्टेट्स मतलब जो फाइनेंस पैनल है जो वार्स वारन्स उसने क्या किया है चेतावनी दी है किसके लिए ऑफ राइजिंग जी एस टी डी मतलब जो बाकी बकाया पैसा है किसको स्टेट्स को जो देना है है ना उसमें बोला कि वो बढ़ रहा है धीरे धीरे क्यों क्योंकि जब जी एस टी लागू हुआ था तो ये बोला गया था कि अगर किसी स्टेट को नुकसान होगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगी तो उसी के चलते क्या हो रहा है कि जित वहाँ पर उनको आ, उनके जो ड्यूज़ हैं उनके जो आ, उनको जो पैसा उनकी उधारी है वो बढ़ रही है है ना तो ये थी आज की न्यूज़ नाउ वी आर गोइंग फॉर द एडिटोरियल एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द व्हाट इज़ इन एडिटोरियल टूडेज एडिटोरियल तो काफ़ी अच्छा है आज और किसके ऊपर बेस्ड है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बेस्ड है कि उनको हम कैसे एम्पावर करें और एलिमन मीन्स शादी के बाद उनको कई बार होता है कि तलाक हो जाता है छोड़ देता है डिवोर्स में दे दिया जाता है तो वो जाएँ कहाँ उनके बच्चे कहाँ जाएँ यानी कि उनकी देखभाल कौन करे तो उसी से रिलेटेड हमारा आज का जो एडिटोरियल है है ना और देखते हैं कि और क्या हमको देखने को मिलेगा कई सारे आपको लॉ के टर्मिनोलॉजीज सीखने को मिलेंगे वो कैप्स आपको सीखने को मिलेंगी है ना तो लेट्स गेट स्टार्टेड देखते हैं कि आज का क्या है तो जो पहला आपको दिख रहा है कि एलिमनिंग गाइडलाइंस एलमनी क्या होता है पहले ये समझ लो एलमनी होता है मनी दैट यू पे नॉट पे यू पे यू हैव टू पे बाय लॉ टू टू द फॉर्मर वाइफ और हस्बैंड है ना कि तो कहना क्या चाहते एक ही ऐसा पैसा होता है अमाउंट होता है तो अगर कोई पर्सन अपनी वाइफ को क्या करता है डिवोर्स देता है तलाक देता है तो उसको मेंटेनेंस रख रखाव के लिए कुछ पैसा पे करना पड़ता है जो जो क्या करता है कोर्ट डिसाइड करता है तो वही होता है एलमनी है ना तो ये दोनों के लिए होता है फ़ीमेल भी करेगी तो उसको भी पे करना पड़ेगा अगर फीमेल को चाहिए तो उसको पे करना पड़ सकता है है ना तो ये दोनों के लिए गाइडलाइंस का मतलब क्या होता है गाइडलाइंस दिशा दिशा निर्देश मतलब कि जो एलमनी से रिलेटेड जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है है ना और काफ़ी जागरूक करने वाला है तो मीन्स कई सारी चीजें आपको जा जानने को मिलेंगी तो लेट्स स्टार्ट है ना अर्ली इन्फोर्समेंट तो मतलब एकदम शुरुआती में ही क्या इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है लागू कर देना है क्रिया क्रियान्वयन कर देना उसको धरातल पर जाके लागू कर देना ऑफ मेंटेनेंस लॉज जो रख रखाव के वाले जो कानून हैं अगर उनका एकदम स्टार्टिंग से ही क्या कर दिया जाए उनको लागू कर दिया जाए उनका क्रिया, क्रियान्वयन कर दिया जाए तो क्या होगा इज़ मस्ट है ना कि इन अर्ली इंफॉर्मेंस ऑफ मेंटेनेंस लॉ जो मैंटेनेंस लॉ है उनका शुरुआत में ही इन्फोर्समेंट इज़ मस्ट जरूरी है क्यों टू तो प्रोटेक्ट डिपेंडेंट वुमेन है ना प्रोट किसको प्रोटेक्ट करना जो डिपेंडेंट वेमन है डिपेंडेंट जो निर्भर वेमेन है निर्भर किसको बोला गया कि अगर आप, आपकी शादी भी हस्बैंड है तो आप न, तो आप क्या हो निर्भर नहीं हो हालांकि निर्भर इसलिए नहीं क्योंकि हस्बैंड फिर आप फैमिली आपकी देखभाल करेगी आप फैमिली का हिस्सा हो लेकिन जैसे आपको डिवोर्स हो जाता है फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हो निर्भर हो जाते हो कि कहाँ जाओगे क्या करोगे तो वही उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि क्या हुआ कि एलिमनी से रिलेटेड कि अर्ली इन्फॉर्मेंस ऑफ मेंटेनेंस लॉस इज मस्ट वो बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं डिपेंडेंट जो वुमेन है उनको सुरक्षित करना चाहते हैं प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका इन्फोर्समेंट स्टार्टिंग से ही जरूरी है, है ना आगे उन्होंने क्या बोला है कि ये बोला हुआ है कि इन इंडिया इन भारत में क्या है दो यद्यपि मोर गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल नाउ अब भारत में अब जो है स्थिति बता रहे हैं कि बहुत सारी गर्ल्स हैं लड़कियां हैं कि जा रही हैं अब और अब और ज़्यादा जा रही हैं कहाँ स्कूल्स में जा रही हैं स्कूल में जा रही हैं लेकिन कॉमा लगा के लिखा फॉर मैनी द इनएविटेबल रियलिटी सीम्स मैरिज बिफोर कम्प्लीशन ऑफ हायर एजुकेशन है ना लेकिन कुछ के लिए फॉर मैनी कईयों के लिए इनैविटेबल इनेविटेबल मतलब अपरिहार्य आवश्यक जिसको आप अनदेखा नहीं कर सकते जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते इैविटेबल रियलिटी जो वास्तविकता है कि अपरिहार वास्तविकता क्या है सीन्स दिखती है मैरिज बिफोर कम्प्लीशन ऑफ हायर एजुकेशन मतलब हायर एजुकेशन के कम्पलीट नहीं कंप्लीट नहीं होते और उनके पहले उनकी शादी करा दी जाती है तो कईयों के लिए तो अब तो क्या हो गया कि बहुत सारे स्कूल में जाना स्टार्ट हो गई लेकिन कईयों के लिए अभी भी क्या होता है हायर हायर एजुकेशन के पहले ही शादी की जाती है बस समस्या यहीं से स्टार्ट होती है है ना प्रॉब्लम यहीं से, से स्टार्ट होना हो जाती क्योंकि वो इंडिपेंडेंट तो हो नहीं पाती हैं जॉब तो उनको मिल नहीं पाता है तो उनको फिर भी उनको हस्बैंड पर डिपेंड या फैमिली पर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है है ना तो वो यहीं से प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है तो आगे उन्होंने क्या बोला गर्ल्स आर मीन्स मैरिड ऑफ अर्ली है ना जल्दी उनकी शादी हो गई एंड बियर चिल्ड्रन और बच्चे हो गए लॉन्ग बिफोर दे शुड मतलब लॉन्ग बिफोर दे शुड जब उनको होने चाहिए बच्ची उसकी बहुत काफ़ी पहले ही उनके बच्चे हो गए तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ कि शादी जब होनी चाहिए उसके पहले शादी हो गई है ना आज जब उसके पहले शादी होगी तो इंडिया आए तो बच्चे भी पहले हो जाएंगे और जब बच्चे पहले होंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी तो इस कई सारे प्रॉब्लम्स कहाँ से क्रिएट होंगी जब शादी जिस टाइम पे नहीं होना चाहिए अभी भी भारत में क्या होता है कि 18 से पहले शादी हो जाती जल्दी कर दी जाती है ना तो सरकार ने ऐसा क्यों नियम बना के रखा कि अठारह के बाद ही करना इसलिए रखा है ताकि जो बॉडी हो वो मेच्योर हो जाए ठीक है परिपक्व हो जाए जिससे अगर जो वो कंसीव करती हैं प्रेग्नेंट होती हैं बच्चे होते हैं तो वो उनका क्या कर सकें उन उन, उनके बोझ को जो है वो बेयर कर बेयर कर सकें है ना उनको उनको परेशानी झेलनी ना पड़े तो वही उन्होंने क्या बोला है कि और जब जल्दी शादी हो जाती है दिस ट्रिगर्स और यही क्या कारण बनता है किसका स्टेट स्थिति का पोअर क्या पुअर मैटरनल हेल्थ है ना मैटरनल का मतलब मैटरनल हेल्थ का मतलब वही जो मम्मी बनने के बाद जो उनकी हेल्थ होती है वो यही वजह बनती है जल्दी शादी हो जा पहले क्या हायर एजुकेशन के पहले उनके शादी होना शादी के बाद इस बच्चे होना जब नहीं होना चाहिए था तब और जब ये हो गए तो यही इनकी जो खराब स्थिति है इसका कारण बनती हैं एंड इज़ वन ऑफ द रूट कॉज और ये मूल कारणों में से एक है जो कि हाई लेवल्स हाई लेवल्स ऑफ जो बड़े पैमाने पर क्या होता है चाइल्ड स्टंटिंग एंड वेस्टिंग होता है जो कुपोषण का शिकार होते हैं लंबे समय से है ना स्टंटिंग जो होता है और वेस्टिंग जो होता है मतलब कुपोषण उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा माल न्यूट्रिशन की समस्या से जूझ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से होता है ये होता है कि जल्दी शादी हो जाना और ये सच है कि अगर किसी लड़की की जल्दी शादी हो गई अठारह नहीं है जल्दी शादी हो गई और जल्दी शादी हो गई तो बच्चे होंगे हो जाएंगे और जब बच्चे होंगे तो बच्चे का बच्चे को बेयर करने का मतलब है कि उसके पास पावर होना चाहिए उसकी बॉडी परपक् होनी चाहिए नहीं है उसकी बॉडी तो ऑब्वियसली जो बच्चे होंगे पैदा होंगे कमजोर होंगे है ना वो वनरेबल होंगे रोग उनमें बहुत ज्यादा जल्दी लगेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं इंडिया में है ना देर इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज नॉट वर्किंग आउट फॉर वैरिट रीजन्स वायरिट रीजन मतलब ये भी संभावना रहती है कि कई सारे कारण रहते हैं कि शादियाँ का चलें ना काम ना करें मतलब शादी टूट जाती है ना ये भी रहते हैं और क्या है कि आगे बता रहे हैं लिविंग द गर्ल और यंग वुमेन इन एक्सट्रीम डिस्ट्रेस मतलब और जब शादियाँ नहीं चली जल्दी शादी हो गई उम्र कम है उनकी है ना फिर क्या हुआ दिर, उनको क्या लिविंग उनको छोड़ देना यंग वुमेन इन एक्सट्रीम डिस्ट्रेस है ना बड़े ही एकदम क्या आ, प्रॉब्लम में डिस्ट्रेस में उनको छोड़ देना समस्या में छोड़ देना बिकॉज ऑफन शी इज़ नॉट फिनेंशली इंडिपेंडेंट क्योंकि अक्सर यही होता है कि आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर नहीं है है ना तो इस वजह से क्या होता है उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती वो कैसे मैनेज करेंगी है ना तो इसी से रिलेटेड क्या हुआ है कि पार्लियामेंट एंड द कोर्ट्स हैव परसिस्टेंटली इनेक्टेड लेजिस्लेशन टू गिव वुमेन बेटर राइट्स मतलब कि लगातार पार्लियामेंट ने संसद ने और कोर्ट्स ने लगातार क्या है कि इनेक्टेड लेजिस्लेशन कानून बनाए हैं लागू किए हैं टू गिव वुमेन बेटर राइट्स की जो महिलाएं हैं उनको और अधिक अच्छे अधिक क्या राइट्स मिल सके अधिकार मिल सके है ना इसलिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं तो ओके okay, नेक्स्ट चलते हैं अगला है आर्टिकल फिफ्टीन उसका सेक्शन जो है सब वाला पोर्शन जो है थ्री आर्टिकल फिफ्टीन थ्री का है ना क्या बोलता है कि जो भारतीय संविधान है उसका आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद जो पंद्रह का तीन है वो ये बोलता है कि है ना आगे इसमें लिखा भी हुआ है जी ये बताता है कि विच स्टेट्स मतलब ये आर्टिकल बताता है अनुच्छेद बताता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट मतलब इस आर्टिकल में नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट है ना इस आर्ट ये आर्ट के लिए बताता है कि स्टेट को कोई भी नहीं रोक सकता है है ना फ्रॉम मेकिंग बनाने से एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन है ना कि मतलब ये एक ऐसा प्रॉब ये एक ऐसा अनुच्छेद जिसमें ये इस तीन सेक्श तीन वाले सब सेक्शन में भूला गया है कि, कि स्टेट को कोई भी नहीं रोक सकता है कि अगर वो स्पेशल विशेष प्रावधान करता है वेमेन के लिए या बच्चों के लिए है न एंड क्या बोलता है कि रीड टुगेदर विद आर्टिकल 39 और इसको आर्टिकल उनतालीस के साथ में इसको जोड़ा जाए पढ़ा जाए विच डायरेक्ट जो आदेश देता है स्टेट पॉलिसी मतलब कि जो राज्य की जो नीतियां हैं उनमें टुवर्ड्स इक्वल पे कि बराबर का पेमेंट किया जाए बराबर के मौके दिए जाए फॉर बोथ मेन एंड वुमेन है ना महिला और मीन्स जो तो मैन है उनको दोनों को बराबर का राइट दिया जाए है ना तो उन्होंने क्या बोला दोनों को जोड़ कर देखा जाए है ना एंड प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन दोनों की जो वुमेन और जो महिला है और बच्चे उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जाए एंड आर टू की कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ और ये महत्वपूर्ण मेन है है ना क्या क्या कि संवैधानिक सुरक्षा वाले उनके पास सेफ हैं ये है ना तो कहना चाह रहे हैं कि जो आर्टिकल फिफ्टीन थ्री है और आर्टिकल उनतालीस है ये दो उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये उनके सुरक्षा उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं तो ये जरूरी है ना तो ये हमारा हो गया तो आपको आज दो आर्टिकल भी जानने को मिले है ना अगला देखते हैं कि ऑन वेंसडे वेंसडे को क्या हुआ था सुप्रीम कोट uh, क्या हुआ लीनड ऑन दीज टू आर्टिकल्स मतलब इन आर्टिकल्स को टटोला इनकी तरफ झुका है ना एंड होस्ट ऑफ अदर लॉज भाई बाकी लॉ 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 जो हैं उनकी भी मेज़बानी करता है वाइल हेयरिंग द डिस्प्यूट बिटवीन मुंबई बेस्ट कपल मतलब ये जो फैसला दिया गया मुंबई बेस्ट कपल थे मुंबई के जो कप मुंबई के कपल थे उन्हीं की सुनवाई करते समय यह लिया गया है ना एंड सट डाउन और क्या सट डाउन कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइंस कॉम्प्रहेंसिव गट डाउन का मतलब बनाना निर्धारित करना क्या कॉम्प्रहेंसिव मतलब व्यापक है ना गाइडलाइंस दिशा निर्देश ऑन एलिमनी जो पैसा है एलिमनी के ऊपर एलिमनी क्या बोल सकते हैं आप एलिमनी को अगर हिंदी में बोलना चाहो तो निर्वाह जो निधि होती है निर्वाह व्यय होता है जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं एलिमनी है ना तो एलिमनी <coughs> के ऊपर दिशा, दिशा निर्देश बना दिए गए द कोर्ट रूल्ड कोर्ट ने नियम बनाया दैट अबंडंड वाइफ मतलब जिनको तलाक दिया गया है एंड चिल्ड्रन जो बच्चे छोड़ दिए गए विल बी इंटाइटल्ड उनको क्या दिया जाएगा मेंटेनेंस फ्रॉम द डेट शी अप्लाइज फॉर इट इन कोर्ट ऑफ लॉ कोर्ट ऑफ लॉ में जिस दिन भी वो अप्लाई कर देती हैं उनको उनके बच्चों को और उनको क्या उसी दिन से एलमनी का प्रावधान हो जाएगा मेंटेनेंस जो मैंटेनेंस का मतलब रख रखाव का जो खर्चा आएगा उसके लिए उनके लिए प्रावधान उसी दिन से लागू हो जाते हैं उसी दिन से उनको मिलना इस्टार्ट हो जाएगा नियम बना दिया जाएगा तो ये है, है ना तो बेसिकली इसने कोर्ट ने ऐसा नियम किया हुआ है आगे देखते हैं ना इन ट्वेंटी सॉरी सेव, सिक्सटी सेवन पे, पे जजमेंट मतलब कि सड़सठ पेज का जो न्याय था उसमें अ बेंच ऑफ जस्टिस बेंच जो अच्छा देखो ये बेंच ऑफ जस्टिस क्या होता है अगर काउंट ये आपका कौन सा है ना कलेक्टिव नाउन है है ना कि बोला जैसे आ जाएगा यहाँ से आप एक एक इजारों आपको जानने को मिली जस्टिस के ग्रुप को क्या बोलते हैं बेंच अ बेंच ऑफ जस्टिस है ना उसमें कौन था इंदू हैन मल्होत्रा थी एंड क्या था सुभाष रेड्डी और कौन थे आर सुभाष रेड्डी है न आउटलाइंड है ना आउटलाइंड का बेसिकली आपका क्या मतलब होता है कि एक तरह से रूपरेखा बना देना रूपरेखा उन्होंने खींच दिया तो आउटलाइंड कर दिया अब क्या आउटलाइन किया आगे देखते हैं ना आउटलाइन्ड स्पेसिफिक विशेष चीज़ें की इंक्लूडिंग रीजनेबल नीड्स मतलब कि जरूरत होगी क्या रीजनेबल नीड्स मतलब जो ज़रूरतें हैं आवश्यकताएं हैं किसकी है ना अ वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन उन सब की उनके ऊपर नियम बनाए हर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके जो एजुकेशन uh, शैक्षिक जो उसकी योग्यता है उसके ऊपर वेदर्शी हैज़ एन इनडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम मतलब कि उसके पास जो uh, सोर्स है इनकम का कि नहीं है और आत्मनिर्भर है कि नहीं है एंड इफ इफ शी डज़ इफ इट इज़ इफ शी डज़ अगर है मजिस्ट्रेट एंड ठीक है एंड लोअर कोर्ट्स ऑन एलिवनी केसेस ठीक है क्या कर सकते हैं देखते हैं इफ़ इट इज़ सफिशिएंट पर्याप्त है टू फॉलो फॉर मैनी कोर्ट्स है ना तो मजिस्ट्रेट एंड लोअर कोर्ट्स ऑन अलेवनी केसेस तो कई हर केसेस के लिए भी बनाया गया कहने का मतलब कि ये आप क्या करेंगे आप चेक करेंगे जो बच्चों को जो छोड़ दिया जाएगा या वुमेन जो जिनको तलाक दे दिया जाएगा कि उनको चेक किया जाएगा कि उनके पास इन सोर्स का कोई इन इनकम का कोई सोर्स है कि नहीं स्रोत है कि नहीं उनको पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं अगर नहीं मिल रहे हैं तो उनके ऊपर भी कि कानून बना हुआ है, है ना बनाया गया तो इसी से रिलेटेड ये आपका है है ना आगे देखती हूँ कि गिवेन जैसा हम जानते हैं या दिया गया है द लार्ज एंड ग्रोइंग परसेंटेज ऑफ मैट्रीम मोनियल लेटिगेशन लिटिगेशन आपका क्या होता है जो मुक़दमे हैं है ना कि जो लगातार के हम जैसा कि हम जानते बहुत बड़े ब, बहुत संख्या में परसेंटेज जो बढ़ता जा रहा क्या है मैट्रीमोनियल विवाह संबंधी जो मुक़दमे हैं वो सम क्लैरिटी वॉज नेसेसरी उन सब में एक स्पष्टता जरूरी थी है ना केसेस आर नोन है ना टू तो ड्रैग ऑन मतलब केसेसार नून जैसा कि केसेस आर नून जाने जाते टू ड्रैग कि उनको लंबा खींचा जाता है एंड अक्वायर कॉब वेब्स है ना कॉब वेब्स क्या होता है ब्यौरा ज़रूरत होती है वर्सनिंग द माइजरी ऑफ वनरेबल वूमेन मतलब कि केसेस चल रहा है तो लंबे समय तक तो बढ़ाया जा रहा है खींचा जा रहा है है ना कि उनकी और दशा ख़राब हो रही है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है तो इस स्थिति में ये सब चीज़ें करना जरूरी था है ना आगे देखते हैं द कोर्ट ले डाउन कोर्ट ने नियम बनाया दैट वाइल वुमेन कैन मेक क्लेम फॉर एलमनी अंडर डिफरेंट लॉड्स डिफरेंट लॉस मतलब वुमेन जो हैं वो महिलाएँ है, वो क्या करते क्लेम कर सकती हैं एलमनी के लिए जो पैसा उनको मिले खर्चे के लिए कई सारे कानून में इंक्लूडिंग है ना इन द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस है ना कि वुमेन की जो सुरक्षा जो एक्ट बना था 2005 में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा से बचाव के लिए जो एक्ट बनाया गया उसके उसके तहत एलमनी के लिए कर सकती हैं सेक्शन वन ऑफ द सी आर क्या होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है ना तो उसके तहत वो कर सकती है और अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट नाइनटीन नैंटी है ना कि सॉरी 1955 1955 के जो मैरिज हिंदू एक्ट है एक्ट है उसके तहत भी वो केस कर सकती है उसके तहत भी वो क्लेम कर सकती हैं है ना ऐसा कोर्ट ने आदेश दिया है है ना आगे देखते इट वुड बी इन इन एक्टेबल टू डायरेक्ट द पे मेंटेनेंस अंडर ईच ऑफ द प्रोसीडिंग्स मतलब कि उन्होंने क्या बोला कि इट वुड बी इन एक्विटेबल मतलब ये समानता जस्टिस नहीं होगा कि डायरेक्ट कह हस्बैंड को कि पे मेंटेनेंस अंडर ईच ऑफ द प्रोसीडिंग्स मतलब हर एक प्रोसीडिंग में वो प्रोसीडिंग्स में क्या करें मेंटेनेंस पे करें ये अच्छा नहीं होगा है ना अर्जिंग सिविल एंड फैमिली कोर्ट्स टू तो टेक नोट ऑफ प्रीवियस सेटलमेंट्स मतलब कि अर्जिंग सिविल उ, सिविल और जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनको उनसे उनसे उन्होंने अर्ज किया है कहा है कि टेक द नोट प्रीवियस सेटलमेंट्स की पहले ही सेटलमेंट्स हो जाए तो तो ज्यादा अच्छा है है ना आगे इतना लंबा तक ना खींचा जाए परहेप्स कीपिंग इन माइंड चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या देखते हैं आगे परहेप्स कीपिंग ओके पर माइंड द वासनिस्ट ऑफ़ वासनिस्ट का मतलब गंभीरता और जो बड़ा है रूप है क्या ऑफ इंडिया एंड इट्स इन इक्विटीज मतलब कि जो इन इन इक्विटीज़ हैं जो असमानता है उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया जो बड़ी है इतना ध्यान में रखते हुए क्या किया गया द कोर्ट ऑल्सो एडेड हाउ एंड हाउ एन ऑर्डर और डिक्री ऑफ मेंटेनेंस में बी इन्फोर्स अंडर द वेरियस लॉज एंड सेक्शन वन ट्वेंटी एट ऑफ द सी आर पी सी है ना क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड होता है तो मतलब इंडिया इतना बड़ा है वास्त है विविधता है इसको ध्यान में रखते हुए कि कोर्ट ने जो ऑर्डर uh, है जो टिकरी है मतलब जो मेंटेनेंस का उसमें बड़ा ध्यान रखते हुए इन्फोर्समेंट को लेकर के सेक्शन 128 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें की हैं फॉर फॉर मैनी फॉर वुमेन इन इंडिया भारत में महिलाओं के लिए क्या स्पेशली द पुअर है ना जो गरीब हैं है, है ना हु आर ऑफ एन ओवर लुक्ड इन डिस कोर्सिस है ना जिनको अनदेखा कर दिया जाता है ज़्यादातर द टॉप कोर्ट्स वर्ड्स दैट मेंटेनस लॉस ऑफ विल मीन लिटिल इफ दे डू नॉट प्रिवेंट डिपेंडेंट वाइफ्स एंड चिल्ड्रेन कहना क्या चाहिए कि कोर्ट ने बोला है कि जो गरीब हैं बेचारी हैं जिनके पास कुछ नहीं है अगर उनको छोड़ा जाता है तो उनको अनदेखा किया जाता है अगर कोर्ट का मेंटेनेंस लॉ उन अगर नहीं इन्फोर्समेंट उनका नहीं होता लागू नहीं होते हैं तो वो विल मीन लिटिल उनके लिए कोई मतलब ही मूल्यहीन हो जाएंगे इफ़ दे डू नॉट प्रिवेंट डिपेंडेंट वाइफ अगर वो जो निर्भर वाइफ है उनको रोक उनको बचाते नहीं किस और बच्चों और उनकी पत्नियों को बचाते नहीं किससे फेलिंग इन डेस्टिनेशन डेस्टिट्यूशन वर वैग्रेंसी मतलब कि उनको कंगाली से आवार आवारगी से अगर उनको नहीं बचा सकते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है इन लोगों इन जो इन जो नियम हैं इनका कानून इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है एंड कौम लगा के लिखा ऑफर ग्लिम ग्लिमर ऑफ होप अगर ऐसा हो जाता है कि कोर्ट ने जैसा बोला है कि इनको एलमनी मिलना चाहिए इनका ध्यान रखना चाहिए अगर ऐसा हो जाता है तो ये क्या करता है ऑफ़र हमारे हमारे सामने ऑफ़र करता है ये ग्लिमर ग्लिमर का मतलब किरण ऑफ होप एक आशा की किरण हमारे सामने प्रस्तुत करता है तो अच्छी बात है कि अगर वुमेन है भाई उनका कौन देखभाल करेगा इन सब चीज़ों के लिए तो आज का जो हमारा एडिटोरियल था वो बेस्ट था कि एलिमनी गाइडलाइंस एलमनी क्या होता है एक श, शब्द है टर्मिनोलॉजी है, है कि जो जिसमें क्या होता है कि जो विवाह विकसित करेगा उसको पे करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा वे जो खर्चा होता है डेली का उसको पे करना पड़ेगा सो so, ये था आज का हमारा न्यूज़पेपर एंड आई होप आपको समझ में आया होगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो